बहुत सीधी सी मांग है, कोई ज्यादा लंबा थोड़ा मामला नहीं है, कि हमारा सबसे पहले तो जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करवा दें। अगर वो गिरफ्तार नहीं होगा तो हम इनके सामने सारी चीज रिकॉर्डिंग हुई सुन सकते हैं। हम अपना धरना यहाँ रखेंगे, रात तक लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में हम अपना धरना लगातार रखेंगे। जल्द से जल्द मेहरबानी करके हमारे इस मांग पत्र पर ध्यान देकर और आप सरकार को अवगत कराएं, इस मैटर को सॉर्ट आउट कराएं, नहीं तो हम मजबूरी बस। सर पीड़ा ये भी है, हालात ऐसे हैं कि घटना 10-5 दिन में देखने को मिली, दूसरी घटना सर एक वीक में जो भेदभाव जो किया जा रहा है ना, इससे भी एक पीड़ा है कि कहीं तो सीएम साहब मौके पे खुद पहुंच जाते हैं और कहीं पहुंचना मुआवजा देना तो बहुत दूर, उनका कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आता है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है लोगों में, ये गलत है, ये भेदभाव की नीति गलत है। अलसुख के आयोग का चेयरमैन का काम है, आना चाहिए था ना उसको। अभी आपका जो ज्ञापन है ना तुरंत कलेक्टर साहब ने मेरे को भेजा है, दोनों कलेक्टर साहब की बात हो रही है, कलेक्टर साहब का ज्ञापन लेके आओ तो अभी सीएमओ में भेजवा देते हैं, वहाँ से जो भी मैसेज होगा मैं एसीपी साहब को राजीव। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा एक मैसेज और दे देना आप सर, ये अगर आज इसका निर्णय नहीं हुआ तो सुबह हम सीएम हाउस कुछ करेंगे, जो हमने 15 दिन पहले स्थगित किया था धरना, कल वापस करेंगे, अभी वही है। ओके सर, थैंक यू।